हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो योर हैप्पी फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग नेक्स्ट पार्ट या एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द नरेशन एंड द टॉपिक ऑफ टूडेज इज सम एक्स्ट्रा रूल ऑफ नरेशन एज ए पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको वो चीज बताएंगे कुछ अलग, मतलब कि ये अलग अलग पॉइंटेबल होते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं, इसलिए नॉलेज के लिए इनको जान लेना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपको वही पॉइंट को बताएंगे जो विशेष रूल से अलग के अलग नजरिए से बनाने का प्रयास किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले हम ये आपको कहेंगे कि अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, सुझाव होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम होगा आपके कमेंट का। ओके, तो देखिए आज हम आपको पॉइंट पढ़ाएंगे सम एक्स्ट्रा रूल ऑफ नरेशन। उससे पहले आपको हम ये सलाह देना चाहेंगे, अपने माइंड को कम से कम 25, 26, 30 मिनट के लिए पूरा एकदम कंसंट्रेट, अपने माइंड को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और ये ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये पढ़ाई है, पढ़ाई को दिमाग से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर दिमाग से कनेक्ट करके पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो वो किधर से आएगा, किधर चलेगा, आपको समझ में आने वाला। इसमें दोनों तीनों चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, दिमाग को भी चलाना पड़ता है, किस फास्ट से समझाया जा रहा है उस तरह से माइंड को सेटअप किया जाता है, फिर अपने पढ़ाई को ध्यान से कॉम्प्लीट किया जाता है। तो पॉइंट नंबर वन बोल रहा है कि अगर आज्ञा सूचक वाक्य, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है, जैसे ओपन द डोर, गो आउट, कम हियर, तो अगर आज्ञा सूचक वाक्यों के साथ क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया हो, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा कि अगर क्वेश्चन टैग के साथ, मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग दे दिया गया हो इनडायरेक्ट नरेशन में, मतलब डायरेक्ट नरेशन में, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, कैसे वाक्यों का, जिन डायरेक्ट नरेशन में आज्ञा सूचक वाक्यों में क्वेश्चन टैग को जोड़ दिया गया हो, तो क्वेश्चन टैग हो तो उसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। तो इसका नियम यह होता है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि अगर इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं और यदि डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन टैग जैसे सेंटेंस को एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ दिया गया हो तो ऐसे शब्दों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, और दूसरी बात, इसको हटाकर नया वर्ड भी नहीं लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात, मतलब कि ये जो शब्द हो गया इसको तो हम हटाएंगे, जैसे अक्सर नरेशन का नियम होता है कि इसको हटाकर ये लगाओ, जैसे दिस को हटाओ तो दैट लगाओ, सेड को हटाओ तो टोल्ड लगाओ, इन्वर्टेड को वहाँ हटाओ तो इफ या वेदर लगाओ, या बहुत कुछ में हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन टैग को हटाएंगे तो एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको रिमूव कर दीजिए। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गिव मी सम मनी, उसने मुझसे कहा कि कुछ पैसे दीजिए। यहाँ हमने एक चीज जोड़ा कि क्वेश्चन टैग को हटा दिया गया था एवं शेष परिवर्तन, और जो परिवर्तन करेंगे अपने नियमानुसार किया जाता है, अर्थात जो हम चेंज करेंगे, जो रूल रेगुलेशन लगाएंगे वो पहले से जिसे हम लगाते आ रहे हैं उसमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, वो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गिव मी सम मनी, कुछ रुपए दो, विल यू, दोगे ना, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है दोगे ना, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करोगे ना, लाइक और कमेंट करोगे ना,
अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस होता है, और जब इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन, तो पहला बात गिव मी सम मनी, वो आपसे रुपया मांग रहा है, जाहिर सी बात है कि वो आदेश नहीं दे रहा है कि दो नहीं तो कल, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हम्बुल रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई गिव मी सम मनी, मुझे कुछ रुपया दे दो, कुछ पैसा दे दो, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमने शेयर को बदल दिया किस में, रिक्वेस्ट में, अर्थात ही सेड टू मी तो हो गया ही रिक्वेस्टेड मी, गिव मी सम मनी तो हमने बताया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात, और ये बात सबसे मोस्ट बात है, कि यहाँ पर जो टू है ये पूरी तरह से प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, ये जो काम कर रहा है वो कंजेक्शन का काम कर रहा है। क्योंकि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या होता है कि विच कम बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, प्रीपोजिशन का साफ डिफिनेशन होता है कि विच कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, और गिव ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, दिस इज द वर्ब, ये क्रिया है, और क्रिया के पहले जो टू आया वो प्रीपोजिशन हो ही नहीं सकता है, इसलिए जो टू है वो कंजेक्शन है, और कंजेक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना, दो शब्द को जोड़ना, ये कंजेक्शन का काम होता है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए जो टू हुआ वो कंजेक्शन हुआ। देखिए छोटा सा बात, देखिए कितना ध्यान देने वाला बात है, आप कैसे पूछ सकते हैं कि भाई कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में नहीं बल्कि कंजेक्शन के रूप में किया गया हो, तो वो होगा नरेशन में टू, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव अ मी, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सम सम मनी का मनी, यहां के बाद मैटर खत्म। तो बोलिए पॉइंट नंबर एक, कोई डाउट है? तो पॉइंट नंबर एक को दिमाग में यही रख लीजिए कि अगर डायरेक्ट नरेशन में आज्ञा सूचक वाक्य का प्रयोग किया गया हो और उसके साथ अगर क्वेश्चन टैग को दिया गया हो, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो सेड को स्थिति के अनुसार रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, या फिर प्लीज रिक्वेस्टेड ऑर्डर, या अन्य जो कुछ भी होगा, एडवाइज्ड हो सकता है, कमांडेड हो सकता है, जो कुछ भी होगा उसमें परिवर्तन कर देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए पहले ही की तरह टूल जरूर लगाएंगे, उसके बाद जो बीच में जो परिवर्तन जैसे हम लोग करते आ रहे थे वैसे करेंगे, बस एक नया वर्क यही कर देना है कि क्वेश्चन टैग को पूरी तरह से हटा देना। तो ये था पॉइंट नंबर वन, बोलिए एनी डाउट? अब तो हो जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम फेयरवेल, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं कि हम लोग कंफ्यूजन में, तो भैया क्या होगा, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम फेयरवेल, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, जैसे गुड मॉर्निंग माय टीचर, गुड इवनिंग सर, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे का नरेशन कैसे बनेगा? आप बोल सकते सर ऐसे शब्दों का तो नियम बताए नहीं, ये सब सेंटेंसेस न तो इंटरोगेटिव में है, न तो इंपरेटिव में है, न तो ऑप्टेटिव में है, न तो एक्सक्लेमेटरी में है, ये सब में है, तो सर कैसे बनाएं? तो विशेष वर्ड्स के लिए विशेष नियम को हम फॉलो करते हैं, जैसे पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में भी ऐसे शब्द गुड मॉर्निंग माई टीचर, या गुड नाइट सर, या गुड बाय, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब से को बीड में, सेज को बीड्स में, और सेड को बेड में परिवर्तित कर, कहने का मतलब कि बीड बेड बीड्स, बीड भी वन होता है, बेड भी टू होता है, बीड्स भी फाइव होता है, तो जैसे सेज से सेज रहेगा उसको हम परिवर्तित करेंगे, लेकिन नहीं कि उसके बदले में उसको भी लिखेंगे और फिर से और सेड को भी लिखेंगे दोबारा। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम फेयरवेल, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब से को बीड में कन्वर्ट करेंगे, सेज को बीड्स में, सेड को बेड में परिवर्तित कर पुनः, यहाँ पर देखिए एक बात जोड़ दिया गया,
हम पुनः एक काम करेंगे, क्या सी दैट या सीड दैट को लिखेंगे। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में हम जो परिवर्तन करते हैं वो डबल स्टेप का सहारा ले लेते हैं। मतलब कि कब, जब सेंटेंस में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का प्रयोग किया गया हो तब। मतलब इसमें हम एक काम ये करेंगे कि सेड है तो इसको हम तीन स्टेप में लिखेंगे। सेड मतलब कि सेड के लिखेंगे बेड एंड, मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे सेड दैट। जैसे नीचे एग्जांपल दिया गया होगा, ही सेज टू मी, ध्यान दीजिएगा, ही सेज टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू मीट यू। गुड मॉर्निंग, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुआ, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। तो ये हो गया ही सेज मी। तो यहां पर जो ये था, हमने देखे क्या क्या लिखा, सेज के लिए बीट्स लिखा और मी गुड मॉर्निंग, ही बीट्स मी गुड मॉर्निंग। कहने का मतलब ये है कि हम एक्स्ट्रा वर्ड बीड और बेड का प्रयोग करते हैं, बीट्स का प्रयोग करते हैं। तो ही बीट्स मी गुड मॉर्निंग एंड सेज, इतना आपको काम करना पड़ेगा। मतलब दो स्टेप जोड़ना है, एक स्टेप में ये भी जोड़ना है और एक स्टेप में ये भी जोड़ना है, तब जाकर आंसर कंप्लीट होगा। अर्थात ही बीट्स मी गुड मॉर्निंग एंड सेज दैट ही इज हैप्पी टू मीट मी। अब आपका एक नहीं सर, यहाँ पर इज नहीं वाज होना चाहिए। तो यहाँ पर सेज है और सेज प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो इज है वो इज ही, जो एम था वो ही के साथ इज है और इज ही रहेगा। हाँ, इसमें हम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग को हटाते नहीं हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी सेड गुड नाइट, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा, सी सेड गुड नाइट मिस्टर शर्मा। तो सेड है तो सेड को हम किसे बदलेंगे, बेड में। अर्थात इसको हम लिखेंगे सी बेड, उसने अभिवादन किया, सी बेड किसको किया, सी बेड मतलब किस तरह का अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग किया कि गुड इवनिंग किया कि गुड बाय, क्या कहा उसने। तो सी बेड गुड नाइट, ये हो गया सी बेड गुड नाइट, किसको, तो टू मिस्टर शर्मा को, गुड नाइट टू मिस्टर शर्मा। मतलब कि एक वर्ड सिर्फ गुड नाइट के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो ही बेड गुड नाइट टू मिस्टर शर्मा, ये तब एंड सेड, उसके बाद एंड सेड। अब क्या कहा, उसका इन्वर्टेड कॉमा के लगाइए दैट, उसके बाद जो होगा हम बना लेंगे। जैसे वी शैल मीट अगेन, तो इसका हो जाएगा दैट दे वुड मीट अगेन। विल का वुड हो जाएगा दे के साथ विल, विल का वुड मीट अगेन। तो बोलिए आपको दिक्कत है, बहुत बढ़िया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक एग्जांपल एक्स्ट्रा बता देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अर्थात आपको सेंटेंस दिया जाएगा ही सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, ये मान लीजिए सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे ही बेड BADE बेड, ही बेड गुड मॉर्निंग ही बेड गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, ही बेड गुड मॉर्निंग एंड या आप डायरेक्टली लिख दीजिए ही बेड गुड मॉर्निंग
टू, अब माइक बदल दीजिए, हिज फ्रेंड्स, क्यों? कि इसमें कोई विशेष सेंटेंस नहीं है, उसने अपने दोस्तों को बोला, क्या बोला? गुड मॉर्निंग बोला, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गए, तो ही बेड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, सो सिंपल। ये अगर यही रहेगा, मतलब एक सेंटेंस के रूप में रहता, जैसे मिस्टर शर्मा वी शैल मीट अगेन, अगर इस तरह से होता तो हम इस तरह सेंटेंस बना ले जाते। तो बोलिए आपको दिक्कत है? तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो हम इसी आधार पर बना ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर, मतलब ये सब जितने भी शब्द हैं रिस्पेक्टफुली से होते हैं, रिस्पेक्टफुली वर्ड होते हैं, तो ऐसे शब्दों में इन्हें हटाकर रिस्पेक्टफुली जोड़ दिया जाता है। सपोज दैट आप क्वेश्चन में कर रहे हैं, सर उसने बोला कि ही सेड टू मी, मैडम प्लीज गिव मी साइड, ही सेड मैडम प्लीज गिव साइड, अगर सर या ही सेड सर प्लीज गो इन योर साइड, तो अगर ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो हम इसका इनडायरेक्ट नारेशन कैसे बनाएंगे। से मान लीजिए दिया गया है द बॉय सेड सर सर आई वांट टू लिव नाउ, आई वांट टू लिव नाउ, ये सेंटेंस दे दिया गया है। द बॉय सेड सर आई वांट टू लिव नाउ, सर अब मैं जाना चाहता हूं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो जो सर है, जो मैडम है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट को दिखा रहा है, एक आदर को दिखा रहा है। तो हम जैसे पहले प्लीज होता था तो प्लीज को तो हटाते थे, लेकिन बदले में रिक्वेस्टेड लगाते थे, तो वही नियम यहाँ भी काम करेगा। और द बॉय सेड, जब उसको बनाना होगा तो हम बोलेंगे द बॉय, देखिए सेड रिस्पेक्टफुली, द बॉय सेड रिस्पेक्टफुली दैट, ठीक। या अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं द बॉय रिस्पेक्टफुली सेड दैट, ठीक, ये एडवर्ब है। तो द बॉय रिस्पेक्टफुली सेड दैट, उसके बाद हम सेंस को मिला लेंगे। सर के लिए हम रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, अब यहाँ पर सर को हटा देंगे, अपने नियम से बना देंगे, आई का हो जाएगा ही वांटेड टू लीव, और नाउ का हो जाएगा देन, अर्थात द बॉय रिस्पेक्टफुली सेड दैट ही वांटेड टू लीव देन। तो बोलिए ये सेंटेंस था द बॉय सेड सर आई वांट टू लीव नाउ, सर अब मैं जाना चाहता हूं, तो आप कर दीजिएगा द बॉय रिस्पेक्टफुली सेड दैट ही वांटेड टू लीव देन। बोलिए कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है, ठीक। या अगर एक और एग्जांपल है उसको भी अगर देखना चाहते देख लीजिए, ठीक। लेकिन हाँ, इतना से नहीं, आप कुछ किताब उठा, अच्छे अच्छे किताब उसको थोड़ा देखिएगा, आप कुछ एग्जांपल खुद से बनाइएगा, तो फिर 100% आपका समस्या खत्म हो जाएगा। जैसे दिया गया हो कि सोहन सेड टू द प्रिंसिपल मैडम इट्स नॉट जस्टिस, यह न्याय नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेड वर्ड है और यह है मैडम। तो यहां पर सेड टू के बाद प्रिंसिपल हो चुका है, ठीक। तो हम बोलेंगे सोहन टोल्ड प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली
सुहन टोल्ड प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली दैट, रिस्पेक्टफुली दैट। अब देखिए, अब क्वेश्चन, हमने क्या किया, तो जब सेड टू द प्रिंसिपल था तो हमने सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, सुहन टोल्ड प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली दैट। उसके बाद हो जाएगा इट वॉज नॉट जस्टिस, इट थर्ड पर्सन, इट वॉज नॉट जस्टिस, इट वॉज नॉट जस्टिस। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि अगर सेंटेंस में सर या मैडम शब्द का प्रयोग कर दिया गया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आप दैट के पहले रिस्पेक्टफुली लगा दीजिए, छोड़िए ज़्यादा टेंशन, दैट के पहले रिस्पेक्टफुली लगा दीजिए, बाकी जो जैसे नियम है वैसे नियम को फॉलो करिए, कोई भी एक्स्ट्रा शब्द हटाने की ज़रूरत नहीं है, हटेगा तो सर और मैडम, बाकी जैसे था सेड लिखेंगे, टोल्ड है टोल्ड लिखेंगे, जो है वो सब लिखेंगे, बस दैट के पर लगा देना है रिस्पेक्टफुली। बोलिए, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था पॉइंट नंबर टू। अब बोलिए पॉइंट नंबर थ्री था, पॉइंट नंबर थ्री में अब कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए पॉइंट नंबर फोर आपको हम बताते हैं। पॉइंट नंबर फोर में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, शायद बताया कि नहीं बताया, देखिए फिर से बता देते हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन में किसी भी वर्ड का पास्ट फॉर्म किसी मॉडल एक्सेंडेंस का, जैसे विल का उड दे दिया गया हो, कैन का कुड दे दिया गया हो, शैल का सुड दे दिया गया हो, विल का उड दे दिया गया हो, या माइट आउट टू यूज टू, या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, या हैड बेटर, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को बदलते बदलते नहीं है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही क्यों ना रहे, नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तब। जैसे अगर सेंटेंस दिया जाएगा कि ही सेड ही कूड नॉट डू दिस वर्क, ही सेड, उसने कहा ही कूड नॉट डू दिस वर्क, इस काम को नहीं किया जा सकता था, तो हम बना देंगे सिंपल ही सेड दैट ही कूड नॉट डू दिस का हो जाएगा दैट वर्क, बस। अर्थात इसमें से कोई भी अगर शब्द रहेगा तो उसको कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बोलिए, तो अब कोई दिक्कत है? ठीक, तो यहाँ तक हमने बताया वन बाय वन, पॉइंट नंबर वन जो क्वेश्चन टैग से संबंधित था, पॉइंट नंबर टू जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से संबंधित था, पॉइंट नंबर थ्री जो एक फेयरवेल या वेलकम टाइप का वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे शब्दों से क्या था रिलेटेड था पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री रिस्पेक्टेड वर्ड जो सर मैडम ऐसे शब्दों से रिलेटेड था, और पॉइंट नंबर फोर आपको ये बताया गया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ऐसे शब्दों को बदलते नहीं हैं। तो बोलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको नरेशन पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, हमने हर एक टॉपिक को पार्ट वाइज करके डिटेल्स और डीप पढ़ाया, अगर जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो उसे 100% ये सारे रूल्स सारे नियम और क्लियर समझ में आ रहे होंगे। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि आपका पढ़ाई जितना बेहतर से बेहतर हो सके आप बेहतर कीजिए, और हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आपका पढ़ाई दोनों तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम को बना करके अगर आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा हमेशा मानना है लेबर नेवर गोज इन वेन, अगर आप परिश्रम करते हैं, आप क्लास में पढ़ते हैं, टीचर कुछ बात बताते हैं वो बात कुछ समझ में नहीं आता है
तो घर पर आपका वीडियो है, वीडियो में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है, अपना वीडियो ओपन करते हैं और वो सारी बात क्या करते हैं समझ लेते हैं, या क्लास में कल टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले टॉपिक को घर से ही वीडियो में पढ़ करके चले जाते हैं और क्लास में सारी बात क्लियर समझ जाते हैं। तो जिस तरह से भी हो आपको अपनी पढ़ाई बेहतर करना है और हमारे से जितना कोशिश जितना प्रयास होगा हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ओके तो ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉच माई वीडियोज एंड आई होप टू एवरी वन, अर्थात मैं ये आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो आप इस वीडियो के बारे में कुछ सलाह देना चाहते हैं या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि पहली बार चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाई AK सिंह को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमारा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो आसानी से पहुंच जाए और आप पर डे अपनी पढ़ाई को कवर करते रहें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट।